नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग का दूसरा टाइप होता है, इसको संभाव्य प्रतिदर्श भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें चयन अपने विवेक से किया जाता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता था कि उसमें किस्मत पे या किस्मत पे छोड़ दिया जाता था, तो इस पर क्या होता है कि इस पर विवेक से किया जाता है आदमी स्वयं, तथा सैम्पलिंग करने के लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। यानी कि अगर उसके पास कुछ पहले पूर्व ज्ञान होगा और अगर कुछ नियम होंगे तो वो उनका इसमें उपयोग करता है। अब असंभाव्य प्रतिदर्श की जो प्रकार हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तीन प्रकार थे, वो थे तुम्हारे सिंपल रैंडम सैम्पल, दूसरा था स्ट्रेटिफाइड एंड तीसरा था क्लस्टर। इसमें क्या है कि इसमें ये असंभाव्य प्रतिदर्श के प्रकार यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के यह सामान्य पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला होता है जो होता है सौकर्य या सुविधा न्याय दर्श, इसको कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पल, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें सुविधा न्याय दर्श भी कहा जाता है इसको, यानी कि ये सुविधा के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा अनुसार जनसंख्या का वह भाग चुनता है जो आसान हो, यानी कि जो शोधकर्ता होगा वो किसी ऐसी चीज़ को ही कलेक्ट करेगा जो कि काफ़ी सुविधा अनुसार है, काफ़ी जिससे उसको मदद मिल सके। उसके बाद है दूसरा स्वदेशी न्याय दर्श, यानी किसे कहा जाता है पर्पजिव सैंपल। कुछ शोधकारी न्याय दर्श का प्रतिनिधित्व नहीं चाहते, मतलब कि जो कुछ कार्य होते हैं शोधकर्ता के प्रतिनिधित्व को नहीं चाहते, वह अपने विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष उद्देश्य न्याय दर्श चाहते हैं, यानी कि वो कुछ विशेष काम को करने के लिए कुछ विशेष चीजें ही चाहते हैं, उसको ही स्वदेशी या पर्पजिव सैंपल कहते हैं। इसके बाद थर्ड है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग है तो कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि इसमें शोधकर्ता प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि वादी और प्रतिवादी दो वो चीज़ें होते हैं। वादी मतलब जिससे सीधे संपर्क करना चाहते हैं, दूसरे क्या होता है कि वादी के प्रतिवादी, ठीक है। इसमें सुविधा का ख्याल रखा जाता है ताकि जिस प्रतिदर्श का चयन किया जाता है कि जिस चीज़ का चयन किया जाता है उस तक सरलता से पहुँचा जा सके, ठीक है। इसमें कोटा में ही होता है। उसकी बात है फोर्थ आकस्मिक न्याय दर्श, एक्सीडेंटल सैंपल भी कहा जाता है इसको। यह भी कोटा सैंपल की तरह ही है, यानी कि ये भी जो है ये सरलता से और प्रतिवादी से जानकारी लेता है, लेकिन इसमें प्रतिवादी एक ही जगह मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रतिवादी जैसे एक ही जगह मिल जाएंगे, जैसे आप अगर सीधे एक बड़े से उसका डाटा करना चाहते हैं, जैसे एक शहर का डाटा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि कोई भी पार्क है उसके बाहर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 100 बंदे मिल गए तो आप उन्हीं से डाटा कलेक्ट कर ले सकते हैं। इसमें प्रतिवादी एक ही जगह मिल जाते हैं। एग्जांपल, एक शोधकर्ता का प्रदत्त आकार 100 व्यक्तियों का है तो वह कहीं पर 100 व्यक्तियों से सैंपल ले सकता है। इसका लास्ट वाला है फाइबल है स्नोबॉल न्याय दर्श, इसे कहा जाता है स्नोबॉल सैंपल। इसमें प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों द्वारा भी प्राप्त की जाती है, यानी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पहली जानकारी प्राप्त की जाती है। वे व्यक्ति कुछ और व्यक्तियों के नाम से जाएंगे, वो व्यक्ति क्या करेंगे किन्हीं और व्यक्तियों के नाम सुझाएंगे जिनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि वो भी क्या करेगा, वो भी किसी दूसरे प्रतिवादी का नाम देगा जब तक हमें वांछित प्रतिदर्श न मिल जाए, जब तक कोई मेन वाला नहीं मिल जाए तब तक ये प्रक्रिया चल जाती है। इसे ही स्नोबॉल सैंपल कहा जाता है। ये इसका लास्ट था, ये सैंपलिंग का पूरा टर्न ओवर।